चुंडिया बोले थे आ रहे हैं तो चुंडिया होती क्यों हो अच्छा अरबी तो नहीं मालूम है मगर नहीं वो नमल में चुंटी चुंटी बात करी से लोग पूरा उसमें कमेंट पढ़ो उसके मैं जो कमेंट है ना उसमें दिया देखो प्रूफ हाँ बातचीत और वो डिस्क्रिप्शन पढ़ो पूरा इंग्लिश में आती है अच्छा उर्दू में है वो रोमन इंग्लिश में है वो इंग्लिश आती नहीं अपने उर्दू आती हूँ लिटरेचर थे आपके उर्दू ये उर्दू जुबान में कुछ लिटरेचर लिखा हुआ ऐसा कुछ है क्या नहीं इंग्लिश में ही है पूरा अच्छा हेलो मतलब ये नमल मतलब क्या हाथी को बोलते हैं असल में नमल तमिलनाडु में 3000 साल पहले नमली बोलते पीकॉक को वो तेलुगु में बोलते हैं नमली बोलते तेलुगु में नमली बोलते नमली बोलते तेलुगु में नमली बोलते तमिलनाडु में तमिलनाडु में नमली बोलते अच्छा वहाँ पे नमली बोलते हैं वहाँ से तेलुगु लफ्ज निकला तेलुगु ये लफ्ज तेलुगु में आया ना ये नमली नमली ये तमिलनाडु से आया तमिल लफ्ज है ये क्या है ये जो साउथ इंडिया जो है ना ये जो जुनूबी हिंद है ये अपने पास जो है सो इसको द्रावड़ा बोलते अगर जबान जो है मेरी बात मेरी मेरी बात सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ आप जो बोल रहे हो मैं भी वही बोल रहा हूँ मैं बाद में बोलता हूँ भैया सुनो पहले ये जो साउथ इंडिया जो है इसको द्रावड़ा बोलते इसके अंदर जो है सो ये द्रावड़ी जबाने हैं तेलुगु है कन्नड़ी है उसमें समझते हो साउथ इंडिया में एक ही जबान की तरह है कौन सी ये तमिल और तेलुगु जो है तकरीबन एक ही ये भैया अलग हो गए थे भैया टूटे तो सही है अरबी का जो लफ्ज है नमल नमल जो है वहाँ पे चुंडी को बोलते किसको बोलते अरबी में तो ये जो हमारे पैगंबर पे जो जबान में किताब उतरी वो तमिल में उतरी या अरबी में उतरी अरबी में उतरी तो उसके माने आप वो तमिल से लेंगे या अरबी से लेंगे उसके माने हम लेंगे वो खुदा कहाँ का बयान कर रहे हैं अल्लाह ताला मैं क्या बोल रहा हूँ लग जाया नहीं बात सुनी है जैसा फिरौन लग जाया कुरान में आया नहीं आया फिरौन आया ना मिसर का बादशाह अरबी अरबी लफ्ज नहीं है ना फिरौन कौन सा लफ्ज है फिर अरबी लफ्ज है वो इब्रानी भी नहीं होता फिर कौन सा है एक मिनट दाऊद अरबी लफ्ज है जी दाऊद और सुलेमान अरबी लफ्ज है क्या आपकी समझ बनी इसराइली पैगम्बर है ना एक मिनट अरबी लफ्ज है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ आपको भाई लफ्ज की बात नहीं है नाम, जो नाम होते हैं ना सुनिए जो नाम होते हाँ मैं यही तो बोल रहा हूँ नमली नाम है हेलो नमली नाम है वही तो बोल रहा हूँ आपको मैं ये जो लफ्ज है जैसे कि आप इब्रानी में नहीं है उसमें जैसा कि अब फिरौन है वहाँ जैसा कि हमारे पास हुजूर निजाम थे आपकी बात सही है हुजूर निजाम थे निजाम की वो क्या उनका नाम निजाम था उसी तरह फिरौन भी उनका एक जो है सो उन बादशाहों का लखब होता था जैसा कि रमेसिस था रमेसिस सेकंड जो है सो हजरत मूसा के वक्त में था मैं आपको जो बता रहा हूँ सुनिए जी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज जो है ना अरबी में नमली बोल के मैं यही बोल रहा हूँ तमिल और तेलुगु लग गई है तो हुआ ये सुलेमान अलैहिस्सलाम यहाँ पर आए थे कहाँ पे हिंदुस्तान हिंदुस्तान साउथ इंडिया में आए थे जी 3000 साल पुराना किस्सा है अच्छा वादी नमली में नमली लफ्ज है कुरान में वादी नमली उसके दो माने होते वो मैं उसमें डालूंगी कि कमेंट में पूरा पढ़िए आप नहीं नहीं वो नहीं बोल रहा मैं अब जैसे कि सही अहादीस से भी साबित है कि हजरत सुलेमान का जो मुलाकात हुई थी वो जो है सो एक चींटियों के लश्कर से हुआ था
हदीस यहाँ सुनिए मेरी बात, हदीस में हुजूर की बात, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, जैसा कि हुजूर की बात हदीस में वहाँ पे बोले तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हुजूर सल्लम जो है सो जो अपने सहाबा को बोले बोल सुनिए, नहीं नहीं बोले बोल के न्यूज उड़ा ये लोग, कौन उड़े वो दोहा न्यूज उड़ाए कि क्योंकि चुनती जो है ना दावत, मेरी एक बात सुनो, आपका अकीदा है या नहीं है, सही हदीस जो कुरान के खिलाफ जा सकती, सही सही हदीस कुरान के खिलाफ, याद रखो आप, जो कॉन्ट्राडिक्शन अगर कोई हदीस में आ रहा कुरान के मुखालिफ है तो उसको हटा देना आपको हदीस को, मैं वही तो बता रहा हूँ ना, पहले ये बोलिए चुनती सुनती क्या, क्या बोले चुनती सुनती क्या, पूछो मैं आपसे, क्योंकि ये अपना मोर बात करता है, बराबर बात करता, आवाज करता, बात करता, उसकी लैंग्वेज रहती पूरी, तो उसकी भी लैंग्वेज रहती भाई, समझ रहे हैं, हर चीज की एक लैंग्वेज होती है, आप एक बात बोलो, आपको साइंटिफिकली जो है सो आपको प्रूव हो सकता है, ये चीज आप जो बात बता रहे, हर चीज जो है सो जानदार जितने भी है उनके अपने अपनी जुबानी अपने अपने इशारे हैं, इशारती जुबानें होती सर, तो आप ये जो वहां का यहाँ लाके जो फिट कर रहे हैं बिल्कुल ये समझ में नहीं बात। दूसरा आप जैसा कि आपका दावा महदूयत का है या मसीहत का है, यानी अपने आपको आपको एक क्राइस्ट के तौर पे जाहिर कर रहे, आपका चैनल देखा मैं, सेकंड जीसस क्या के लिखे ना आपको, आपको एक काम करिए है जी, मुझे ये बताइए कि दावतुल अर्थ कौन है, दावतुल अर्थ किसको कहा जाता है, कुरान में जिक्र आया, दावतुल मिनल अर्थ कुरान में जिक्र आया, तो ठीक है कुरान की तफसीर आप हदीस से लेते या आप मनगढ़ंत आप ये करते, कुरान से पहले लेते जी, फिर उसके बाद सही मुस्लिम से लेते, सही बुखारी से लेते, तिर्मिजी से लेते, इब्ने माजा से लेते, अहमद बिन हंबल से लेते, निसाई से लेते जी, समझे आप, बिहार उल अनवार से लेते, हम्माद से लेते, चौदह पंद्रह किताबों से लेते, सुनिए मेरी बात, उन किताबों में सही हदीसें भी है सही हदीसें भी है, अरे भाई साहब मैं क्या सुनी नहीं मेरी बात, हदीस में उसके मुताबिक क्या आया गुलाम के बारे में, हदीस में मोर आया दावतुल मिलाद, मैं बोल रहा हूँ मोर आप क्या है, मोर आया मोर है, बोल रहा हूँ साबित करते आप, मोर है बोल रहा हूँ साबित करते हैं, साबित कर दिया ना, अज्यूम करने की जरूरत नहीं है, आप जो है सो ये नहीं ये होगा बोल के आप अपने तौर से ये कर रहे हैं, आप मनगढ़ंत सुनिए हजूर बता रहा ना, देखो इस्लाम किसकी तरफ से आया, आखा की तरफ से, तो आखा वो चीज किस तरफ इशारा करना कि भाई ये दावत जो है सो मोर है, करे करे कौन सी हदीस में बोलो करे, अब आपको वैसे नाम है जिसे मेरा लिख लीजिए जी, उसमें जाइए पूरे रेफरेंसेस के साथ मेरी वेबसाइट है nasiyagirigirisain.com, एक बात बोलो कोई चीज को तोड़ मरोड़ के पेश करने का जो है सो, अरे जनाब कुछ भी तोड़ मरोड़ के पेश करने का, ठीक है ये नमल को बाजू रखो आप, नहीं बाजू कुछ भी नहीं लगते हैं, सुनो सुनो बोल तो मैं दूसरी में जैसा कि आपका दावा है कि आप मैं जो है सो एक मसीह हूँ बल्कि, हाँ आप दस बात लाइटें बोल रहे इसको बाजू रखो, ये ले लो ये ले लो, तुम जो है सो हर चीज को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, समझ रहे हैं, हुजूर की तरफ से है, आप जो भी बोले उसको माना जरूरी है क्या, हुजूर जो बोले वो कौन है, कौन है तुम बोलो, आप बोलिए कौन है, मैं तो डाला हुआ हूँ ना, दज्जाल आया नहीं ना भाई, एंटी क्राइस्ट तो अभी आया नहीं, कौन है बोलो, चलिए एक काम करिए आप पूरे मेरे 4,500 से ज्यादा वीडियो से देखिए पहले, ये देखो भाई वीडियो नहीं बोलो ना, सब मेरी एक दो लफ्ज बोलो भाई, मसीह दज्जाल उन्हें था बोल के, आपको तो विचार आप देखिए ऐसी पोजीशन पे है कि आपको बोल रहे हैं कि आपको पढ़ना लिखना नहीं आता उर्दू इंग्लिश बोल के, देखो हमारे आलिम लोग अगर सुने सो है वो बता रहा हूँ आपको मैं, समझ रहे आलिमों को चैलेंज करे तो है, आलिमा मुर्दों कैसा पड़े गए कलर के कॉल भी नहीं करते, अरे मैं करा ना भाई एक जाहिल समझो ना, तो जाहिल समझो जाहिल का जवाब दो आप, चलिए बात करना चाह रहे हैं वो बोली करे, अच्छा ठीक है, इमाम महदी का जो दावा है आपका उसके ऊपर महदी पे बात करना चाह रहे हैं या ईसा के इंतकाल पे बात करना चाह रहे हैं या दावत पे बात करना चाह रहे हैं, दावत के अर्ज पे तो फेल है आप, बोले तो वो खुरब खयामत आएगा, वो अच्छी बात है, सुनिए भाई साहब आप रखिए, कौन सा वीडियो देखिए, मेरे कॉल मत करिए, अल्लाह हाफिज़।
आलिम मुफ्ती हजरत साहब, देखो आलिम क्या होता, आलिम का बाप हूँ मैं, समझ में आ रहा। आप जो है सो बात कट करने की जरूरत नहीं, आप भी जो आप जो है ना कंटिन्यू करो, क्यों आप उसको ये कर रहे, डर हो रहा क्या आपको? मेरे को कैसा डर होगा, खुला नंबर दिया हूं मेरे हर काम का जो दावा कर रहे हैं आप, वो बताओ मेरी इंटेलिजेंस, मेरी इंटेलिजेंस मेरी हर फोन की रिकॉर्ड देखती है मेरा। एक बात बोला आपको, मैं वो पादरी का भी देखा, उन्हें आप एक दलील नहीं दे सके उसको, वो भी पाकिस्तान के जो पादरी से जो आपका मुनाजरा हुआ फोन पे, वो वीडियो भी देखा, एक एक दलील पूछा, दलील नहीं दे सके, उन्हें आप भागे भैया। अच्छा अच्छा, देखो इल्मी बात होती है, आप इल्म देखो कोई सी चीज है ना, आप किताबी तौर पे उसका जो है सो हवाला देना, आप हवाला काट दिया, एक भी हवाला दे नहीं सके आप। गलत बात बोल रहा है, हवाले पूरे दिया हुआ हूँ। क्या दिए भाई, आप वीडियो बना रहे हैं, काम करिए, सुनिए सुनिए, हवाले की बात करिए ना, एक वीडियो देखिए उसमें लिखा हुआ है सलमान। एक बात बोलो, मेरी एक मुख्तसर सी जो है एक तफसीर नहीं, एक एक तफसील बता रहा हूँ आपको, उसके बाद आपका जो ईमान है, जो आपका यकीन है, आप मेरी बात सुनो, आपकी पूरे वीडियो देखो मैं, मेरी बात सुनो, सुन रहे मसीह दज्जाल कौन है, सुनो बोलता हूँ, उसके मुताबिक सुनना चाह रहे हैं आप? हाँ बोलिए, ठीक है, आप टोकेंगे नहीं मेरे को, आप मेरी बात कंप्लीट हुए तक टोकना नहीं आप मेरे को, अच्छी बात है, बोलिए। ठीक है, हजरत ईसा इब्न मरियम जिस वक्त यानी यहूदियों में से बर्पा हुए, जब उन्होंने दावा करे कि भाई मैं वो मुंतखिब शुदा जो है सो मसीह हूँ, उस पर चंद यहूदी ईमान लाए हजरत ईसा पे। हाँ। चंद लाए ना, पूरे तो नहीं लाए। हाँ। उसके बाद हजरत ईसा का जो है सो उरूज आसमानी हुआ। अच्छा। हाँ, उरूज आसमानी हुआ, उससे पहले जो पेशन गोवियां हैं जैसे कि अनाजिल से भी साबित होता, फिलहाल जो मुरवजा अनाजिल है ईसाइयों की, उससे भी वो बात साबित है, हमारे जो इस्लामिक लिटरेचर है, इस्लामी जो इल्म है उसके अंदर भी हुसैन सल्लम जो हदीस बयान किए हैं उसके अंदर भी उसका इल्म है कि हजरत ईसा फिर से लौटेंगे, समझ रहे, कब लौटेंगे, कब लौटेंगे, सुनो मेरी बात, हुआ है आसमान से जिस्म के साथ वो बात में नहीं टोकेंगे बोलेंगे, वो टॉपिक अलग है, समझिए वो टॉपिक अलग है, टोको मत मेरे को, मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ उसके बाद आप बोलो, उसके बाद जवाब देता हूँ। तो हजरत ईसा इब्ने मरियम जिस वक्त आएंगे, क्यों आएंगे, आप बोलिए, आप बोलिए, नहीं नहीं आप बोलो उसका जवाब, उसके आगे बोलता हूँ मैं, उनका मकसद क्या है, दज्जाल को मारने को, सलीब पे सलीब पे तोड़ने को और हुकूमत, ठीक है ठीक है। तो हजरत मसीह का जो नजूल होगा फिर से, वो इसलिए होगा, जो एंटी क्राइस्ट रहेगा वो आले याकूब से पैदा होगा। हाँ। वो भी एक यहूदी रहेगा, जितने आजकल के यहूदी है उसके मुंतजिर है, जब वो शैतान शख्स अपनी मसीहत का जो है सो ऐलान करेगा, तो उस वक्त सारे जितने यहूदी हैं उन पे ईमान लेंगे, किस पे, उस आले याकूब से, जो वो भी यहूदी रहेगा, याद रखो आप, समझ रहे, वो भी यहूदी रहेगा, उन्हें पैदा होगा, पैदा होने के बाद अपनी मसीहत का ऐलान करेगा, उस पे सारे यहूदी ईमान लेंगे और जो है सो सारे दुनिया का निजाम जो है सो उन्हें चलेगा। एक तो अब क्यों उनका जो तौरात की किताबें हैं उसके अंदर एक पेशनगोया है कि हजरत दाऊद का तख्त फिर से वो लौटाएगा, यानी हम पे बादशाहत कायम करेगा, समझिए सारी दुनिया में यहूदियों का बोलबाला होगा। तो वो मसीह दज्जाल आने के बाद वो दज्जाल जो है सो उस काम को पूरा करेगा। उसके बाद हजरत ईसा का नजूल होगा, वो कब होगा, कब होगा, हजरत इमाम महदी का जो छोटा लश्कर जो रहेगा, समझ रहे, मुसलमान मुख्तसर रहेंगे, वो भी अरब रहेंगे उस वक्त में। तो वो हजरत इमाम महदी का जो लश्कर रहेगा, उसके लश्कर के जो है सो एक कमांडिंग के तौर पे आएंगे, उन्होंने वो लश्कर में शामिल होंगे, फिर मसीह दज्जाल से झगड़ा होगा, लड़े होंगी, जिसका वो एक जंग है ना, मलहमतुल कुबरा, वो कुछ है, वो क्या कुछ है, अमेगडन के कुछ बोलते उसको, बहरहाल उस वो झगड़े के बाद में से उसका खात्मा होगा, वो शख्स रहेगा, कोई निजाम नहीं है, वो अमेरिका नहीं है, समझ रहे, ना ही ये टीवी रेडियो चैनल आ, ये वो कुछ भी नहीं है, वो एक आदमी रहेगा, वाले याकूब से पैदा होगा, उन्हें अपनी मसीहत का ऐलान करेगा, सारे यहूदी उस पर ईमान लेंगे,
जी ये है असल लेटर, ये चल बोल और ये किताब सुनो बोल तो मैं समझ रहे, ये इल्मी बातें हैं, आप जो है सो आपको एक निजाम की तरफ उसको ले जाएंगे या फिर दूसरे, ठीक है मेरी बात कंप्लीट हुई, अब बोलो आप। आपकी इस बात से मैं पूरा मुत्तफिक हूँ जी, आपकी इस बात से मैं पूरा मुत्तफिक हूँ। हाँ मैं इसमें गलत है नहीं बोल रहा हूँ। हाँ मसीह दज्जाल तो एक आदमी रहेंगे ना, आले याखों से पैदा होंगे ना। बिल्कुल सही बोले आप। हाँ मैं गलत बोली नहीं रहा हूँ ना इसको, ठीक है आगे बोलो आप। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, वो मसीह दज्जाल कौन है? अरे आएंगा भाई, आले याखों से पैदा होगा, वही तो बोल रहा हूँ आपको मैं। अच्छा अब मैं मेरी भी सुन लीजिए, यहूदी किसको बोलते हैं? यहूदी किसको बोलते हैं? हजरत याकूब की जो औलाद है, समझ रहे, उनकी औलाद के जो 12 बेटे थे, जो 12 जो उनके जो ट्राइब्स हैं, उनको यहूदी कहा जाता। उसमें यहूदा के बेटे थे मालूम है ना आपको? जी हाँ। तो यहूदा मुसलमान थे हिंदू थे? एक बात बोलो आपको मैं, मुसलमान किसको बोलते बोलो आप? अल्लाह पे ईमान रखते थे ना? रखते थे। उसके पास मुसल्ला ईमान है, समझिए, उस वाहिद जात के, उस इब्राहिम के खुदा के सामने जो झुकता है मुसलमान। अभी अभी यहाँ पे मिस्टेक करे, मुसल्ली मेहमान बोलते हो, फिल्म का डायलॉग देख लिए आप? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आप जो है सो सरकारी तौर जो तोड़ मरोड़ के जो पेश कर रहे हैं आप, लोगों का जो ईमान खराब कर रहे हैं, वो बात बता रहा हूँ आपको, समझ में आ रहा है? सेकंड बात, मेरी बात सुनो, जो हजरत इब्राहिम के खुदा के सामने झुकने वाला है वो मुसलमान है। सही बात, सही है। किसका? किसका खुदा? इब्राहिम का खुदा, इस्माइल का खुदा, मोहम्मद का खुदा, ईसा का खुदा, मूसा का खुदा, वही सच्चा खुदा। अब मैं आपसे सवाल एक छोटा सा करा, बोलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसीह दज्जाल का और क्या निशानियां दिए? बोलो आप। और क्या आप बोलिए, आप तो बोले, मैं बोलता हूँ आप बोलो भैया, वही तो बोल रहा आपको, बोलो आप। और ऊपर से सुनिए, जी सलमान में पैदा होएगा, उन्हें सर पे काफी लिखा रहेगा, मक्का मदीना नहीं जाएगा, सारी दुनिया में उसका फितना बरपा होएगा और नबूवत का दावा करेगा और उसकी शबाहत नबी की तरह रहेंगी, जरा जी। और जो है उन्हें क्या करेगा, पहले तो मसीह होने का, महदी होने का दावा करेगा, फिर नबी होने का दावा करेगा, और उन्हें काफिर का फतवा रहेगा, उसके ऊपर मक्का मदीना दाखिल कभी नहीं हो सकेगा, और उसके अंदर जो है ना खलीफा होंगे, उन्हें पहला होगा, उसके बाद उसके अंदर 6 लोग जुमला मिला के 6 लोग आएंगे, उसके सर के 6 आएंगे, मतलब उन्हें दावा करेगा, रियासत कायम करेगा, उन्हें मर जाएगा, मर के दूसरे फिर उसकी जगह उसके कायम आएंगे, वैसे 6 लोग उसकी रियासत चलेंगी, खलीफा चलेगा, 6 लोग खलीफा बनेंगे। देखो हमारे मौलवी साहब बोले से बात बोल रहा हूँ आपको मैं, जिस वक्त हजरत ईसा उसका खत्म करेंगे, मेरी बात सुनो ना, उसका खत्म करेंगे, उसके बाद जो है सो वो क्या बोलेंगे, उसका खात्मा होने के बाद में से सारे दुनिया में जो है सो मुसलमानों का यानी कुरान का जो है निजाम चलेगा 40 साल, ऐसा हदीसों के हिसाब से वो बात सुनने से मैं आपको, अगर वो गलत है तो वो साबित करना आप। अभी आप वो डिस्टर्ब नहीं करते, बोले ना मेरे को बोलने नहीं दे रहे आप। नहीं नहीं आप वो जो गलत बात बता रहे हो उसको बोल रहा हूँ मैं, कोई गलत बात बोला आपको? मैं कोई गलत बात बोला? सुनिए जनाब, आप गलत नहीं बोले, सिर्फ समझ की गलती हो रही आपकी। अरे मैं बोल रहा हूँ मिर्जा गुलाम अहमद खादिया, अरे इसकी बहन को उसका नाम क्यों ले रहे, शैतान का साले का, उसी में उसी जमरे में से आप भी आ रहे हो, मसीह दज्जाल है ना भाई? अरे उन्हें कैसा हो सकता है जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? अब सवाल आपका, उन्हें कैसा हो सकता, उन्हें कैसा हो सकता है? देखो झूठे नबियों का जो जिक्र करे हुसा सल्लम, उनमें से आप भी एक है, उनमें से वो साला भी है, वो गलतफहमी की शिकार आप फिर हो रहे हैं, गलतफहमी की। अच्छा ठीक है, एक बात बोलो आप मेरे को, आप मेहदी हैं? इधर सुनिए, मैं मेरे सवाल का जवाब दे रहा, आप मेहदी हैं? ये सुनिए, जो भी है तो आप मेहदी हैं क्या? वो मुंतखिब शुदा और आपका खानदान अहले बैत से है क्या? 100% है, अहले बैत से है। बाबा को पूछो ना, तो दादा को पूछो, उनके दादा को पूछो, कोई भी एक घंटा हिलाने वाला रहता मंदिरों का, गलत नहीं बोल रहा आप, अहले बैत से इतना बड़ा झूठ हिंदुस्तान में। असल में आप मसीह दज्जाल को ले, मसीह दज्जाल के टॉपिक से नहीं हटने बोले थे ना, हटने की बात नहीं बोल रहा आपको मैं, आपको क्या बोल रहा हूँ,
जनाब एक जब टॉपिक पे बात कर रहे थे जब तक मुकम्मल नहीं होती दूसरी टॉपिक से नहीं आते कंफ्यूजन होता नहीं। आप क्या है मालूम, कोई चीज को यहूदियत में ले जाते हैं, कोई चीज को हिंदू मत में ले जाते हैं, कोई चीज को सिख मत में ले जाते हैं, आप उधर उधर जा रहे हैं, मैं इधर भी ना कहूँ। ये बात है ठीक है, आप अगर ऐसा बोलो तो बहस नहीं होती, तरीका नहीं है बात करने का। ये ठीक है बात बोलो बोलो आप करो कम्प्लीट करो। आप सुनिए जनाब, आप अल्लाह के लिए बात कर रहे हैं ना मेरे से। देखो अल्लाह के लिए सुनो मेरी बात, अल्लाह के लिए आप अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह हैं आप, अल्लाह का ना कोई है बोले तो आप अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह जो है आप खुद अल्लाह हैं, ये बोलो आप। नहीं आपका सूरह इखलास नहीं पढ़े क्या, मेरे से सवाल कर रहे हैं। अरे मेरे बाबा मैं क्या बोलूँ आपको, आप जो बोल रहे हैं ना, आप जिस खुदा को मानते हैं हम भी उसी खुदा को मानते हैं, समझ रहे। आप कोई बात बोल रहे, अगर आपके इल्म में है कि कोई खुदा है, समझ रहे, जो सच्चा खुदा है, जो उनके ऊपर यानी अंबिया पे जो किताबें उतरी वो गलत है, आप जो है कुरान के तर्जुमे नए कर देना बता दिया इसके अंदर, आप सूरह नमल का क्या के बता के, ये सब गलत चीजें हैं ना भाई। पहली बात कुरान को तो कोई बदल भी नहीं सकता ना, बदल ही जाती है कुरान। फिर क्या बोले आप, तराजू पूरे बदलना पड़ेगा। अरबी दान है उससे ज्यादा अरबी आती है आपको। अब आप ये बोल लेते रहो तो समझ नहीं आती बात। पहले ये बोलो कि नमल लफ्ज तमिल में कई को आया और नमल इधर कई को आया, नमल नमल और नमल क्यों मैच कर रहा, पहले वो गौर करो। एक बात बोलो, उसके बाद ये गौर करो, सुनिए उसके बाद ये गौर करिए, मुस्कुराते कब सुलेमान अलैहि सलाम, वाकया देखे तो मुस्कुराएंगे ना, चुनती हर दस दस के ऊपर। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ भाई, ड्रॉप कर दिए क्या? हेलो